बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। आई एम योर साइंस टीचर एंड आवर लेक्चर नंबर इज़ 9। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले जो है वो लेक्चर्स थे हमारे 8, उनमें आप लोगों का 6 वीक तक का काम था वर्कबुक के प्लानर से। लेकिन अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो स्टार्ट करना है 7 एंड 8 वीक का आपका काम है, और ये लेक्चर तब अपलोड होगा आप लोगों के एग्ज़ाम्स के बाद। तो आप लोगों ने अपने जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, पेपर हैं, उनकी तैयारी अच्छे से करनी है, और साथ साथ ये लेक्चर जो थे 8 तक वो आप लोगों ने सुनने हैं, और अपने असेसमेंट शीट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है वो इन्हीं पर ही बना हुआ है, और आप लोगों ने साथ साथ अपनी बुक भी रिवाइज़ करनी है, ठीक है? आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, यूनिट नंबर 3 पे बेस है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, MCQs एंड क्वेश्चन, और आपकी जो वर्कबुक पेज है 20, यहाँ पर एक एक्टिविटी की थी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में। तो आज हम लोगों ने उसका रिज़ल्ट देखना है कि वो कैसा आया है। और आपके बुक पेजेस हैं, एक ही पेज है 23, उसका क्वेश्चन है 3 एंड 4। तो पहले हम लोग एक्टिविटी की जानिब चलते हैं। एक्टिविटी क्या थी, व्हाई डू प्लांट्स नीड रूट्स, के प्लांट्स को रूट्स की ज़रूरत क्यों होती है ग्रो के लिए। तो आज हम लोगों ने देखने हैं 2 प्लांट्स, ठीक है? हम लोगों ने नाम दिया हुआ था अपने प्लांट्स को A and B का। तो हम लोगों ने ए वाले में कौन सा प्लांट रखा हुआ था, याद है किसी को? हम लोगों ने ए वाले कप में प्लांट वो रखा था जिसकी रूट थी, और बी वाले में हम लोगों ने वो रखा था जिसकी रूट नहीं थी। तो अब आप लोगों ने गैस करना है कि कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो किया है। हमारे पास ये वाला प्लांट क्या है, ए, ठीक है? और ये कौन सा है, बी। अब नज़र आ रहा है, चलें ठीक है। तो ये वाला प्लांट कौन सा था जिसकी रूट थी, और ये वाला रूट के बगैर था, तो किसने ग्रो किया, ए वाले ने। तो इसलिए इस चीज़ का हम लोग, हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए रूट की ज़रूरत होती है, रूट के बगैर प्लांट ग्रो नहीं करता। तो आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो ए वाला कप था वो कितना अच्छा और फ्रेश नज़र आ रहा है, ठीक है? देखिए बिल्कुल ग्रीन से इसके लीव्स हैं और ये बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन जो हमारे पास कप नंबर बी है जिसके अंदर हम लोगों ने विदाउट रूट प्लांट रखा था, वो कैसे मुरझाया हुआ है, ठीक है? वो ड्राई सा हो गया। उसके बाद क्या है आज का हमारा टॉपिक, MCQs एंड क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था, प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े थे, उनकी टाइप्स पढ़ी थी। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा उनको डिस्कस करना है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की टाइप्स क्या क्या थी, हर्ब्स थी और श्रब्स थी और ट्रीज थी। तो हर्ब्स क्या थी बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, हर्ब वो प्लांट्स होते हैं, है तो ये दोनों ही स्मॉल प्लांट्स, लेकिन इनकी स्टेम्स कैसी होती है, टेंडर ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है? और जो श्रब है हमारे पास वो वुडी स्टेम के होते हैं, ठीक है? और जो ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, ट्रीज़ आर द लार्जेस्ट प्लांट्स, यानी कि सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, और इनकी एज भी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इनकी हाँ एज ग्रो करती है या इस तरह से ये बढ़ते हैं, तो उनकी एक स्टेम होती है उनके ऊपर रिंग से अपीयर हो जाते हैं, ठीक है? जैसे ये एक स्टेम ले लिए ट्री की, तो ये वाली रिंग है जिसे हम लोग एक दरख्त की एज का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ट्री जो है वो इतने ईयर्स का है। हर साल में ये वाली रिंग जो है इसकी अपीयर होना शुरू हो जाती है, मतलब हर साल में एक रिंग का इजाफा होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारे MCQs। फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, टमरिंड, ये कौन सा प्लांट है, इमली का होता है ये, है ना? क्या है इसका MCQs देखते हैं। टमरिंड इज़ अ डैश, ये क्या है, श्रब है, हर्ब है, ट्री है, क्या इनमें से कोई भी नहीं, इनके नन। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये ट्री है, हमने इसका सी ऑप्शन जो है वो सर्कल किया है, ठीक है? राइट आंसर क्या है, ट्री। टमरिंड क्या है, ट्री है। विच ऑफ दीज इज़ अ क्लाइंबर, हम लोगों ने क्लाइंबर को भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आज हम लोगों ने उसी को ही रिविजन करनी है। तो क्लाइंबर क्या है बेटा, क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? तो इनमें से अब हम लोगों ने एग्जांपल ढूंढनी है कौन सी वाली है, नीम क्या है, ये ट्री है, ग्रेप वाइन, ये एग्जांपल भी हम लोगों ने उस दिन पढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि ग्रेप वाइन क्या करती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाती है, या कोई भी वाल हो, कोई भी इसे सहारा मिल जाए किसी चीज़ का, तो ये उसके ऊपर ग्रो करती है, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। तो बी को हमने क्या किया, सर्कल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मैनी सीड्स इन अ मैंगो,
मैंगो का नाम सुना होगा, इन दिनों तो खा भी रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उनमें उन्होंने कहा है कि मैंगो में कितने सीड्स होते हैं, तो हमें पता है मैंगो में सिर्फ एक ही होता है, एक ही सीड होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, वन, सेकंड क्या है, फ्यू, थर्ड क्या है, मैनी, एंड फोर्थ इज ऑल, यानी कि इनमें से सारे ही। तो हमें पता है कि सिर्फ एक होती है, तो हम लोगों ने वन पे क्या करना है, सर्कल कर देना है ए को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द कलर ऑफ एप्पल सीड इज, के एप्पल हमारे पास क्या है, फ्रूट है, उसके जो सीड्स हैं उनका कलर क्या होता है, एप्पल के सीड का कलर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, रेड, सेकंड क्या है, येलो, येलो देखे हैं सीड्स इसके, ओके सोचे ज़रा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ब्राउन, एंड फोर्थ इज वाइट, तो हमें पता है इसके सीड का रंग क्या है, सी वाला, यानी कि ब्राउन। हम लोग खाते रहते हैं ना एप्पल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। उसके बाद क्या है आपके क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, सिर्फ आंसर लिखे हैं, आप क्वेश्चन में साथ साथ बोलूँगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को नोट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स विच आर रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि उन वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो कि प्लांट्स की क्या हैं, रूट्स हैं। तो हम लोगों ने उनके दो नाम लिखे हुए यहाँ पे, फर्स्ट क्या है टर्निप, ये क्या कहाँ पे होते हैं, अंडरग्राउंड होता है, और सेकंड क्या है कैरेट, यानी कि ये कौन से प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उनके दो नाम लिख लिए हैं, साथ में ये हमें प्रनाउंस भी करने हैं, टर्निप एंड कैरेट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, क्लाइंबर की एग्जाम्पल लिखनी है। हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यूज में भी देखा था कि क्लाइंबर इनमें से क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेप वाइन, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेप वाइन। इसका आंसर क्या है हमारे पास, ग्रेप वाइन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या है, हाउ श्रब एंड हर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, के हर्ब एंड श्रब एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर क्या है, हर्ब इट हैज़ टेंडर ग्रीन स्टेम, यानी कि हर्ब की जो स्टेम होती है वो सब्ज़ कलर की होती है, साथ उसकी जो कह लें कि मजबूती होती है वो क्या होती है, वो सिर्फ नरम होती है, सख्त नहीं होती, ठीक है। टेंडर का मतलब भी नरम होता है, इट हैज़ टेंडर ग्रीन स्टेम, यानी कि इसकी सब्ज़ रंग की नरम सी स्टेम होती है। श्रब क्या है, इट हैज़ मैनी, इट हैज़ वुडी स्टेम, यानी कि इसकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, कलर भी उसका थोड़ा सा वुडी टाइप, जो ड्राई हमारे पास होती है, ग्रीन वाली नहीं, ग्रीन हमारे पास स्टेम किसकी है, हर्ब की, श्रब की कैसी है, वुडी स्टेम है। उसके बाद बेटा आपके दो क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक पेजेस हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बुक पेज क्या है 23, तो वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग इज अ ट्री, जब ट्री होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर टी लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने ये छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए ही ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, ये आपकी बुक पेज क्या है 23, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है उन्होंने कि फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग इज अ ट्री, ट्री होगा तो उसके आगे ट्री लिख देना है, श्रब है उसके आगे हम लोगों ने एस लिख देना है, और हर्ब है तो उसके आगे हम लोगों ने क्या लिख देना है, एच, और क्लाइंबर हो तो हमारे हमने क्या लिखना है, सी। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 4 यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। मिंट क्या है हमारे पास, बताएं ज़रा शाबाश, ये क्या है, हर्ब है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देना है, एच लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, एच लिखना है। और उसके बाद क्या है, बोगनविलिया, तो ये क्या होती है बेटा, ये क्या है, क्लाइंबर है ये, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा ट्री है, पीपल है, तो ये क्या होता है, ये भी ट्री है, तो इसका हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, शाबाश बोले ज़रा, टी, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सनफ्लावर, तो ये क्या है, ये श्रब है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, एस। तो इसी तरह से बाकी भी आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये किस पेज के ऊपर है, ये भी 23 पेज के ऊपर ही है, तो वो क्या है, नेम ईच फ्रूट देन मैच द सीड्स विद द फ्रूट्स, यानी कि आपने हर फ्रूट को नाम देना है और साथ में उनके जो सीड्स हैं नीचे ड्रा किए हुए उनके साथ आपने मैच करना है, यानी कि एप्पल है तो एप्पल को एप्पल के सीड के साथ मैच करना है, ठीक है। एप्रिकोट है तो उसको उसके सीड्स के साथ, ग्रेप्स हैं तो उनको उनके सीड्स के साथ, लेमन है इसी तरह से फिर उसको उसके सीड के साथ, और साथ में एंड पे क्या है, मैंगो, तो मैंगो को मैंगो के सीड के साथ हम लोगों ने मैच करना है, ठीक है।
तो ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए किसी भी चीज़ की तो आपने क्या करना है, लेक्चर को दोबारा बार बार सुनना है और इसको साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स देखे हैं वो आपके ऑनलाइन टेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो ये वाला लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये आपके 7 और 8 वीक में से हैं, ठीक है। इनको आपने एग्ज़ाम्स के बाद देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।